अभी हम लोग यहाँ पे एक ऐसा सी प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमारे गिवन नंबर का लास्ट डिजिट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमें लास्ट डिजिट अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसे कैसे करते हैं? तो सिंपली क्या होता है कि जो भी हमारा गिवन नंबर होता है अगर हम उसे 10 से डिवाइड करें और जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वही हमारा लास्ट डिजिट होता है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली हमारे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग हमारे प्रोग्राम के थ्रू इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारी हेडर फाइल लिखेंगे जो कि हैश इंक्लूड stdio.h। नीचे आके हम लोग हमारा मेन फंक्शन बना लेंगे। अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इंट टाइप के दो वेरिएबल बनाएंगे जिसका मैं नाम रखूंगी नम और एक का नाम रखूंगी मैं लास्ट डिजिट। सिंपली हम लोग नीचे आएंगे और प्रिंट एफ में हम लोग लिखेंगे एक स्टेटमेंट जिसमें मैं लिखने वाली हूँ एंटर द नंबर। इसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे सेमी कोलन लगा देंगे और नीचे आएंगे और स्कैन एफ में हम लोग लिखेंगे परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगी एड्रेस ऑफ नम। यहाँ पे नीचे आके सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो गिवन नंबर रहेगा उसको हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे 10 से। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे मॉडुलस का यूज यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए हमारे गिवन नंबर का, इसी की मदद से हमें हमारे गिवन नंबर का लास्ट डिजिट मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग सिंपली लास्ट डिजिट को प्रिंट करेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे लास्ट डिजिट ऑफ परसेंट डी मतलब कि गिवन नंबर का जो हमारा लास्ट डिजिट आएगा वो इज परसेंट डी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नम को प्रिंट करवाएंगे मतलब कि हमने जो नंबर लिखा है यूजर से लिया है उसको प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट डिजिट को लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे सेमी कोलन लगाएंगे, नीचे आके रिटर्न लिख देंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे मैं F9 प्रेस करके हमारे प्रोग्राम को रन करूंगी। यहाँ पे मैंने F9 प्रेस किया, आप लोग देख सकते हैं हमें हमारी आउटपुट विंडो जो है वो यहाँ पे शो हो रही है और वहाँ पे हमें एक मैसेज दिख रहा है एंटर द नंबर। तो यहाँ पे मैं नंबर डालूंगी 2 3 4 5 6, रैंडम नंबर हमने डाल दिया है। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगी। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप लोग देख सकते हैं कि हमें हमारा लास्ट डिजिट जो है जो कि है 6 हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हम लोग फिर से हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे बैक जाऊंगी, फिर से F9 प्रेस करूंगी। अभी फिर से मैं यहाँ पे नंबर डालूंगी कोई भी रैंडम नंबर और अभी फिर से मैं एंटर प्रेस करूंगी। तो भी आप लोग देख सकते हैं फिर से हमें हमारा लास्ट डिजिट जो है जो कि 5 यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग बड़ी आसानी के साथ अगर आपको किसी भी गिवन नंबर का लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है तो आप इस मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके सिंपली यहाँ पे आपका जो लास्ट डिजिट है गिवन नंबर का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।